बड़ा उलटफेर सामने आया है। निर्दलीय प्रत्याशी जो है राजेंद्र गुढ़ा वो 2253 वोटों से आगे हो गए हैं। हमारे साथ राजेंद्र गुढ़ा खड़े हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, कैसे पांचवें राउंड के बाद आप कैसे देखते हैं चुनाव परिणाम? देखिए, चुनाव मेरे और भाजपा के बीच में कांटे का रहेगा। कांग्रेस नंबर 3 पर जाएगी इस समय और कई बार उतार चढ़ाव चलेंगे लास्ट तक। अभी विश्वास है इस चीज को लेकर कि आप चुनाव? हाँ, फाइट रहेगी अच्छी। अच्छा, किन विशेष मुद्दों को लेकर आप कैंपेनिंग में गए थे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है कि झुंझुनू के अंदर भाजपा का राजस्थान में पांचवी बार राज रहा और सारे मुख्यमंत्री और सारे मंत्रियों ने पड़ाव डाल के डेढ़ महीने से यहाँ तक यहाँ बैठे थे और वहाँ आज भी जो गूंगे आदमी का, बीमार आदमी का, जिंदे आदमी का पोस्टमार्टम हो जाता है, उसको फिर जिंदे को इसको डीफ्रीज कर दिया जाता है और जब चिता पर रखते हैं तब पता चलता है जिंदा है, फिर उसको जयपुर रेफर करते हैं। जानपुर के हॉस्पिटल की भी ज़्यादा अच्छी स्थिति है, यहाँ जानपुर से भी ज़्यादा बुरा कर रखा है यहाँ लोगों ने और कुछ भी नहीं किया। यहाँ सिर्फ जिस तरह की व्यवस्था रही है, आज भी आज़ादी के 78 साल बाद में रेलवे फाटक के ऊपर लोग जाम में फंस जाते हैं, एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, हार्ट वाले की डेथ हो जाती है और पुलिया नहीं बना पाई हम। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आई हुई चली गई, मेडिकल कॉलेज बंद पड़ा है यहाँ और न कोई शिक्षा में कुछ किया, न स्वास्थ्य में किया, न कोई सड़कें हैं। नेहरू की बात करते करते दुनिया से चले गए लेट वाला जी और आज भी जनता पानी के लिए त्राय त्राय कर रही है, कुछ नहीं किया है। आपकी प्राथमिकताएं क्या लेके चले थे आप? हम सबसे वंशवाद का आरोप लगाते रहे। वंशवाद भी है, कर दो चाहे जातिवाद कर दो, जिस तरीके से मुझे टाइम कम मिला, मुझे टाइम जो 3-4 महीने का टाइम मिला, मुझे क्षेत्र मेरे लिए नया था। विधानसभा मेरा विधानसभा क्षेत्र दही है, झुंझुनू है, ओड़ा जी का रहा और जातीय गणित भी उनके पक्ष में है, कास्ट कमीशन उनके पक्ष में है, पार्टियां हैं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, काफी किया। अब आप क्या प्राथमिकताएं तय करते हो झुंझुनू में अगर आप जीतते हैं तो क्या प्राथमिकता? सबसे पहले मैं जो बीडी के अस्पताल की जो स्थिति, जो जानबरू का हॉस्पिटल जैसी बना दी, हम इसको ठीक करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहला काम होगा, हम स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करेंगे। और आज नवलगढ़ रोड के ऊपर 8 साल से 10 साल से पुलिया के पिलर बने पड़े हैं, उसे स्लेब डाल के पुलिया नहीं बना पाई, हम इसके लिए स्ट्रगल करेंगे, संघर्ष करेंगे, ये हम ये काम करवाएंगे। और लोगों की मूल आज मुस्लिम है, उर्दू सब्जेक्ट के लिए 20 साल से त्राय त्राय मांग रहे हैं, 20 उर्दू मच्छर जैसा काम है। दो बार मंत्री बन गए, पार्लियामेंट मेंबर बन गए, 4 बार केंद्र के कैबिनेट मंत्री वाला जी, उर्दू सब्जेक्ट नहीं दिया, क्या बात करते हो। तो क्या आपको ऐसा लगता है इस बार आप जैसे चुनाव में आए, चुनाव झुंझुनू को चुना, तो क्या माइनॉरिटी आपके साथ आई है इस बार? माइनॉरिटी तगड़ा सपोर्ट किया है, माइनॉरिटी तगड़ा। तो ये थे पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा, जिनका ये कहना है कि वो लास्ट तक जो है फाइट में बने रहेंगे। अभी 5 राउंड मतगणना के हो चुके हैं और इसमें 2253 वोटों से जो है निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गुढ़ा वो अपनी बढ़त तो बनाए आगे चल रहे हैं, बढ़त ही बना रहे हैं, देखना होगा कि आगे क्या रहता है। देखिए, इस बीच एक और अपडेट।